हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मनु फैमिली में आप सभी। तो आज हम जा रहे हैं बहुत ही फेमस जगह पे बन मस्का खाने। गुडलक कैफे में बन मस्का बहुत ही अच्छा मिलता है। ये फेमस जगह है पुणे की बन मस्का खाने की। तो आज हम वही जा रहे हैं। मैं काफ़ी टाइम के बाद आज घर से निकली हूँ सिर्फ और सिर्फ बन मस्का खाने के लिए। तो चलिए हम जाते हैं बन मस्का खाने। अभी हम पहुंचे हैं प्रभात रोड। तो दिखा दो कितना कितना सुंदर है प्रभात रोड। देखिए से रोड पे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं काफ़ी टाइम के बाद घर से बाहर निकली हूँ और एपसे रोड में आई हूँ और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है कैफ़े। लो जी, आ गया बन मस्का और चाय। यम्मी डिलीशियस लग रहा है। अभी खा के पता चलेगा कि टेस्ट कैसा है। वैसे तो टेस्ट किया हुआ है पहले। चलो हटाओ। अभी है हम गुडलक कैफे में बन मस्का खाया है। ये है हेमंत कुमार। आपकी चैनल का नाम बताइए। हमारे चैनल का नाम है स्टॉक्स माफिया। आप इनका चैनल हैप्पी मनु फैमिली को जरूर सब्सक्राइब करें। बन मस्का खा के बहुत मज़ा आया। काफ़ी टाइम के बाद आज मैंने बन मस्का खाया है। इन लोगों ने ब्रेड सैंडविचेस भी लिए थे, ऑमलेट और क्या तो भी लिया था। तो मतलब काफ़ी हेवी ब्रेकफास्ट हो गया आज और बहुत मज़ा आया और वेदर भी काफ़ी अच्छा है। मॉर्निंग में घर से बाहर निकलो ना तो बहुत अच्छा लगने लगता है और हल्की सी धूप भी आ रही है और बहुत मस्त लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पे इवनिंग के 6 बज रहे हैं और काफ़ी बर्तन फैले हुए हैं मेरे। और मुझे एक्चुअली मायरा को लेके जाना होता है नीचे खेलने के लिए। उसके पहले मैं सारी क्लीनिंग एंड ऑल कर लेती हूँ। डिनर की तैयारी भी करनी है बट फर्स्ट मैं सारे ही क्लीनिंग करने के बाद मायरा को लेके जाऊँगी और उस देखते टाइम बचेगा तो थोड़ा डिनर की तैयारी भी करके जाऊँगी। बट बर्तन फैले रहते तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है घर में। तो ये सारी क्लीनिंग करके जब मैं वापस आऊँगी तो मुझे उतना फ्रेश लगता है, फिर कुछ भी बनाने का मन करता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। यहाँ पे अब क्लीनिंग डन हो गई है। अब मैं डिनर की तैयारी करती हूँ और साथ ही साथ मायरा के लिए कुछ बनाती हूँ स्नैक।
और उसको खिला के ही मैं गार्डन में लेके जाती हूँ हमेशा, और बच्चे अच्छे से खेलते हैं। अगर उनका पेट भरा रहता है तो अच्छे से खेलते हैं, अदरवाइज उनका रोना धोना शुरू हो जाता है। तो मैं पहले ही प्रिपेयर रहती हूँ, उसको खिला के ही कुछ लेके जाती हूँ। तो चलो बनाती हूँ मायरा के लिए कुछ, और साथ ही साथ करते प्रिपरेशन डिनर का। एक चम्मच के करीब मैंने इसमें घी डाला है, और थोड़ा सा डालेंगे जीरा पाउडर, हल्दी, गैस बंद कर सकते हैं क्योंकि मिर्च पाउडर जल जाएगा। ये मिर्च पाउडर ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, हल्का ही डाल रही हूँ। और डालेंगे नमक, नमक भी थोड़ा सा ही डाला है स्वादानुसार, क्योंकि मुझे बहुत ही कम उपमा बनाना है मायरा के लिए। और ये 1 स्कूप जो सेरेलैक के डब्बे के साथ ये स्पून आता है, उतना 1 स्पून, और थोड़ा सा ऊपर से और सूजी डाल देती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने फिर से गैस ऑन कर दिया है, और अभी हम इसको अच्छा सा रोस्ट कर देंगे। थोड़ा सा कलर चेंज होना चाहिए सूजी का, मतलब सूजी पक जानी चाहिए। मायरा को ये पसंद है एक्चुअली उपमा, इसीलिए मैं बना लेती हूँ। उसको थोड़ा सा नमकीन ही खाना पसंद है, मीठा पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं ऐसी डिशेस उसके लिए बनाती रहती हूँ। सूजी अच्छे से ब्राउन होने के बाद हमें इसमें गर्म पानी डालना है, ठंडा नहीं डालना है। ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमें, क्योंकि सूजी अच्छे से फूल जाती है फिर जल्दी ही। देखिए इसमें मैं एकदम गर्म पानी डाल रही हूँ जो केटल में बनाया है। अब इसके ऊपर हम ढक देंगे लीड। 3 to 4 मिनट्स के लिए हमें ऐसे रखना है, उसके बाद हमें गैस बंद कर देना है। 3 to 4 मिनट्स हो गए, अब हम लीड निकाल के देखते हैं उपमा पका है कि नहीं। सूजी तो अच्छे से फूल चुकी है, बहुत यम्मी दिख रहा है, मायरा का फेवरेट है उपमा। तो ठीक है, अभी मैं ऐसे लीड ढक देती हूँ इस पर, और गैस की फ्लेम बंद कर देती हूँ, और 2 मिनट के बाद मैं मायरा को खिला दूँगी। क्या हुआ बेटा, कहाँ जाना है? बाहर? ओके ओके, जाते जाते, चलो चलो जाते। ये देखिए हमारे लाड़ो कैसे रेडी है बाहर जाने के लिए, रो रही थी अभी तक, और मामा को पराठा नहीं बनाने दिया। हम आने के बाद बनाएंगे हम, कोई बात नहीं। मायरा का सैंड खेल के हो गया, और उसको अकेले को खेलना था। यहाँ पे हॉर्स पे बैठना बहुत अच्छा लगता है, उसको लग रहा है कि ये हिल क्यों नहीं रहा है, लेकिन वो गिर गया है, उसकी स्प्रिंग निकल गई, तो वो अभी सैंड में गिरा हुआ, वहीं पे बैठ के बच्चे खेलते हैं। वो हमें नहीं मानते, हम पर गुस्सा करते। आते आगे देखो ना उसका पाव। अरे बाप, अकेले चली गई हो, देखिए ना।
भी अपने से गेम खेलना है। अभी जस्ट मायरा और हम खेल के आए हैं बाहर से, तो मायरा को मैं आने के बाद दूध वगैरह दे देती हूँ। देखिए गिरा दिया उसने। क्यों बेटा ऐसे करते हो आप? थोड़ा थोड़ा पियो धीरे धीरे। मायरा अभी भी खेलने के ही मूड में है ऐसे लग रहा है, उसको आना ही नहीं था बाहर से अंदर। रो रही थी आते हुए और जाते हुए भी रो रही थी। क्या करना है इसको खिलाने में मुझे आधा घंटा लगता है। देखिए दूध में हाथ डाल रही है। लो मम्मी मुंगुश करो। यहाँ पे मैं एक कटोरी फ्रोजन मटर ले रही हूँ, उसमें हम वार्म वाटर डाल देंगे क्योंकि वो बहुत ही फ्रीज हुए हुए हैं, तो इसको थोड़ा सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने मटर में